My 5 secret homely hacks. Assalamu alaikum, welcome to Easy to Make. Without wasting time, let's move on to the number one hack, that is ring holder. इस पिक्चर में आपको कुछ टूथब्रशेस नज़र आएंगे और अब आप सोचेंगे कि टूथब्रशेस का रिंग होल्डर में क्या काम है, तो काम इन्हीं का नहीं है बल्कि इनके नीचे जो ट्रे मौजूद है उससे हम बनाने वाले हैं रिंग होल्डर। ब्रशेस सेट ख़रीदें तो वो ऐसी पैकिंग में ही आते हैं, नीचे ट्रेस मौजूद होते हैं। अब आप देखें, ये बिल्कुल ऐसी पैकिंग है और मेरे पास पहले के काफ़ी ट्रेस जमा हो चुके हैं, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करने वाली हूँ। लोगों उतार दें, नहीं भी उतारें तो भी चलेगा। अब आपको लेना है एक स्पंज, बर्तन धोने वाला स्पंज जो होता है, आसानी से मिल जाएगा आपको कहीं से भी। अब उसके डिज़ायर्ड जो आपको लेंथ चाहिए आपको उतना ही कट करना है और ये सीज़र से बहुत आराम से कट हो जाएगा। इंतहाई सस्ते में बनने वाला ये रिंग होल्डर है जो कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। पूरी कटिंग कर लें, इसके बाद ये वाला पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं और कटिंग बैलेंस कर लें। आप स्पंज कटिंग के लिए ट्रे लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ब्लॉक्स पार्टिंग हुई हुई है, मतलब छः एक साइड पर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे, उनको आपने कॉपी करना है स्पंज पर। साइज़ लेना है, उसी के एंड मुताबिक आपको ब्लॉक्स कट करने हैं। एक स्पंज से 6 ब्लॉक्स बासानी कट हो जाएंगे, यानी कि इस पूरे ट्रे को आपको कम्प्लीटली फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्पंज की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप एक ब्लॉक कट करने के बाद उसी ब्लॉक को एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, बाकी के तमाम ब्लॉक्स कट करने के लिए आसानी रहेगी। टोटल 12 पीसेस आर नीडेड, 6 ऑन बोथ साइड्स। स्टार्ट फिलिंग द पीसेस ओवर ट्रे 1 by 1, बहुत ही आराम से ये फिक्स हो जाएंगे। किसी भी तरह की ग्लू इस्तेमाल करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही बहुत अच्छे से चिपकने वाले हैं, I mean कि ये प्रॉपरली अपनी जगह पर ही फिक्स रहने वाले हैं। इनर फिलिंग तो रेडी हो गई, अब बारी आती है आउटर डेकोरेशन की। तो आप आउटर डेकोरेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, रिबन, लेसेस, डक टेप एक्सेट्रा, वट एवर यू वॉन्ट। मैं यहाँ पर रिबन यूज़ कर रही हूँ, रिबन पहले लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक फैंसी लेस लगा दूंगी। और इस डेकोरेशन के बाद कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता कि ये किस चीज़ से बनाया गया है, इवन कि ये एक रेडीमेड रिंग होल्डर ही लगेगा। साइड्स कवर करने के बाद अगर आप मिड में बीट्स लगा दें, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टिकर बीट्स यूज़ कर रही हूँ, तो उससे लुक और भी अच्छी निकल आएगी। नाउ इट्स टाइम टू फिल इन विद द रिंग्स। इनको इसमें सेट करना, बाहर निकालना बहुत ईजी है। अब प्रॉपरली आपको अपनी सारी रिंग्स एक ही जगह पर मिलने वाली हैं। कंप्लीट लुक आप लोगों के सामने। अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा शेक करके आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाना चाह रही हूँ कि ना तो ये रिंग्स निकलेंगी बाहर और ना ही स्पंज निकलेगा, दोनों चीज़ें प्रॉपरली फिटेड हैं। अगर आप इस रिंग होल्डर को कवर करना चाह रहे हैं तो कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट या ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर उसे आसानी कवर किया जा सकता है रिंग होल्डर को। इट्स अप टू योर चॉइस, आप जैसे इसको यूज़ करना चाहें। Decide it's used for your own, आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को। अच्छे से इसको रैप करें नेट में, उसके बाद आप रिबन से टाई कर दें, बो बना दें और प्रेजेंट कर दें। एक क्यूट सा गिफ्ट रेडी है। माय सेकंड सीक्रेट हैक इज़ रिगार्डिंग इयररिंग होल्डर। इन पिक्चर्स में आपको कुछ फॉर्म टाइप मटेरियल ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें स्टायरोफोम कहा जाता है। यह जब भी आप कोई नई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं उनकी साइड कवर करने के लिए, कि वो किसी भी किस्म के ब्रेकेज से या क्रैक से प्रिवेंट करने के लिए, ये पैकिंग में मौजूद होती है और अमूमन सभी इसे एक वेस्टेज समझ कर फेंक देते हैं। आप इसे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ।
ये मेरे पास मौजूद स्टाइरोफोम है जिसका यूज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है। आपके पास बहुत सारे एयरिंग्स होंगे, आपने पैक करके रखे होंगे, टाइम पर ढूंढने तलाश करने बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए कि सब कुछ आपको एक ही जगह पर दिख रहा हो, नज़र आ रहा हो और आप आसानी इस्तेमाल कर सकें, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। करना आपको सिर्फ इतना है कि अपनी एयरिंग्स को वन बाई वन इधर हैंग करता जाना है। इसकी कोई सी भी साइड को आप ऐसा फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ना ये गिरेगा और ना ही ईयरिंग्स के गिरने का कोई भी खतरा है। तमाम ईयरिंग्स आपको प्रॉपरली एक ही जगह पर मिलने वाले हैं, आपकी मैचिंग के टाइम पर बिल्कुल आपके सामने आपके सारे ईयरिंग्स होंगे। आप जो चाहे आप निकाल सकती हैं बआसानी और पहन सकती हैं। टॉप्स को आप अपर साइड पर प्लेस कर सकती हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप आइंदा कभी भी स्टाइरोफोम को वेस्टेज का हिस्सा नहीं बनने देंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, रिंग होल्डर इयरिंग होल्डर आपको कैसे लगा, आप लोगों को मेरी कलेक्शन कैसी लगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाली स्टाइल की एयरिंग्स भी बआसानी आप इसे हैंग कर सकते हैं। जस्ट आपको एक बॉल पॉइंट पिन या कॉमन पिन ले लें और उसको लगाएं और बस हैंग कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बआसानी हर किस्म की एयरिंग्स इस पे लग सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेल्स आप इसे वॉल पर हैंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे कैबिनेट में, ज्वेलरी कबर्ड में रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक, दैट इज अबाउट रूम कॉर्नर डेकोरेशन। इन पिक्चर्स में आपको बेड्स नजर आएंगे जिन्हें हम ट्विन बेड या बंक बेड के नाम से जानते हैं, बट इस DIY के लिए हमें बेड की नहीं बल्कि इसकी स्टेयर की जरूरत पेश आने वाली है। अगर आप अपने बेड्स को सेपरेट कर चुके हैं तो अपने स्टेयर को स्टोर रूम में बिल्कुल भी आराम मत करने दीजिए। अपने इस बेड स्टेयर को मैं एज अ रूम कॉर्नर डेकोरेशन यूज करने वाली हूँ। अटैचमेंट होल्स आप देख सकते हैं। अपनी मिनी हैंगिंग डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर नेल्स की हेल्प ली है, बट दिस स्टेप इज़ टोटली ऑप्शनल। तो आप बात करते हैं कि इसे डेकोरेट कैसे किया जाए। आप अपने DIY प्रोजेक्ट्स की मदद से बआसानी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए। क्रीप पेपर लें, उसके स्ट्रिप काटें, फोल्ड करें और उसे कट करना स्टार्ट कर दें। बहुत ही बारीक बारीक कट करना है। अराउंड 1.5 inches विड्थ लें आप उसकी और 1/2 inch छोड़ दें उसको कट किए बगैर उस हिस्से को, और कट करने के बाद उसे पूरा खोल लें। अब एक टूथपिक की मदद से उसे ग्लू करें, ग्लू लगाएं और क्रीप पेपर को उसके अराउंड स्टिक करना स्टार्ट कर दें। स्टिक करते जाएं और स्लाइटली नीचे की डायरेक्शन में मूव करते जाएं। इसी तरह डिफरेंट कलर क्रीप पेपर से आप यही स्टेप दोबारा फॉलो करते जाइए। इन द एंड आप अच्छे से ग्लू से स्टिक कर दें। आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी लेयर्स को हल्का हल्का खोल कर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वेस्ट स्प्रे बॉटल कैप को एज ए कंटेनर यूज़ कर लें। बुके स्पंज को भी मैं फिलअप करने के लिए रीयूज़ कर रही हूँ। कंटेनर में प्रॉपरली सेट कर दें। डक टेप, रिबन और एनीथिंग एल्स आप उस कंटेनर को अच्छे से डेकोरेट कर लें। और अब इसमें क्रीप पेपर के लिटल डेकोरेशन पीसेस फिक्स कर दें एंड यू आर डन विद दिस DIY।
अपने इन हैक्स की तरह स्टेयर डेकोरेशन के लिए भी वेस्ट मटेरियल से ही डेकोरेशन बनाना बता रही हूँ। सेकेंड DIY भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई पुराना कैलेंडर मौजूद है जिसपे प्यारी सी सीनरी या कार्टून प्रिंटेड है, तो आप उसे कट करें, एक कार्डबोर्ड पीस लें, उसे रैप करें अच्छे से और उस पर उस पिक्चर को पेस्ट कर दें। और उसके बाद एज एन ऑप्शनल स्टेप आप साइड पर स्टिकर डेकोरेट कर सकते हैं। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट लीटर पेंस के अंदर मौजूद एक शाइनी नेट है, वो तमाम के तमाम मैं निकाल कर इस DIY प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास अगर पुराने ब्रेसलेट्स मौजूद हैं तो आप उनके बीड्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये पाउच वेडिंग फेवर पाउच है, यानी कि बिड पाउच है। और ये डोल दरअसल एक की चेन टूटी हुई है जिसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मीन के सारी की सारी चीज़ों को मैं रीयूज़ ही कर रही हूँ इस DIY प्रोजेक्ट में भी। अब सारे बीड्स अंदर डालकर, डोल को अंदर डालकर और उसके सारी साइड्स को मैं उन शाइनी नेट मटेरियल से कवर कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने उस पाउच को बंद कर दिया और उसे कि जैसे मैंने एक और पाउच पहले से रेडी करके रखा हुआ है, और मैं इन्हें भी डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। बाकी के DIY प्रोजेक्ट्स जो कि आप उस डेकोरेशन का हिस्सा बने हुए देखेंगे, उन पर वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। आप नंबरिंग से भी इन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ द फाइनल रिज़ल्ट इज़ हेयर। तमाम की तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं कैसे डेकोरेट किया गया है। साइड पर जो मैंने हैंगिंग लगाई हैं वो सब की चेन्स हैं, और उसको फर्दर इस स्टेयर को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने फेरी लाइट्स का इस्तेमाल किया है। नंबर 4 हैक इज़ अबाउट वेस्ट लीव्स डेकोरेशन। इन पिक्चर्स में आप कंगी पाम प्लांट्स को देख रहे हैं। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है जिसके नोक काफ़ी नुकीले होते हैं। एक सर्टन टाइम के बाद इसके लीव्स येलोइश हो जाते हैं, येलोइश ब्राउनिश टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इन्हें वेस्ट करने के बजाय रीयूज़ कर सकते हैं। इन पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, इनकी डिफरेंट कटिंग कर सकते हैं। बस एहतियात सिर्फ इसको पकड़ने की हद तक होती है, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इन लीव्स को डेकोरेट करने के लिए भी आप कोई वेस्ट पॉट, कोई वेस्ट बास्केट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एक वेस्ट पॉट यूज़ कर रही हूँ, उसे सिंपली मैंने जस्ट गिफ्ट रैप कर दिया है, और एक स्पंज यूज़ कर रही हूँ, बुके स्पंज, और उसमें फिट कर दिए हैं, और उन लीव्स को उसमें फिट करके टॉप कॉर्नर्स में डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पर एक बुके बास्केट यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर ये एक लेक जग है जिसे मैंने यूज़ किया है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट हैक। लिटिल बर्डीज के नेस्ट की बहुत सारी वेरिएशंस मौजूद है मार्केट में, बहुत सारी डिज़ाइनिंग में, बट अगर आपको घर में ही आपकी एक वेस्ट चीज़ से उनका प्यारा सा घर तैयार कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कंप्यूटर स्पीकर्स की। अगर आपके पास भी कोई वेस्ट स्पीकर मौजूद है तो उसे आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। उसे ओपन करके उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तारें और जो मटेरियल है स्पीकर वगैरह, उन सबको निकाल कर अलग कर लें, और जो बाहरी का जो मटेरियल है जैसे जाली, उसको भी आप निकाल दें। अगर इस चीज़ में अगर मुश्किल हो तो आप अपने भाइयों की मदद ले सकते हैं। और ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। कुछ ही दिनों में आप उन एनिमल एंड क्रिएचर्स को उस घर की रेनोवेशन करते हुए देख पाएंगे। मैं उनको कैप्चर करने की बहुत कोशिश की कि उनका वीडियो बना पाऊँ उनके आते जाते में, बट मेरे होते हुए उन्होंने आना पसंद नहीं किया। सो ये थे मेरे 5 सीक्रेटिव होमली हैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, आप उन्हीं को इतना अच्छे से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड टू ईजी टू मेक।